अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आप देख रहे हैं ज़रा करीम व्लॉग। वेलकम फैमिली, कैसे हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआ से ठीक हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे, जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जो बहन भाई नए हमारे चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें। हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज बारात है, तो अभी कमरे की सेटिंग हो रही है, सेज बना रहे हैं, तो जब सेट हो जाएगा सब तो आपको दिखाएंगे। लगे हुए हैं सब, इनको बना रहे हैं, तो जब पूरी सेट हो जाएगी तो फिर हम आपको पूरा विजिट कराएंगे। सामान वगैरह भी मैं रख दिया है, बिस्तर वगैरह सब उन्होंने पहुंचा दिए। विल बी मेड सून, इस जगह पे आ जाएगी। ये एड्रेस लिखा हुआ है, कितना है मधी आप लोग घर का, ठीक है? और ये जाके देखो, हो गया अपडेट, एड्रेस कर दिया मैंने। आप जैसे आएगी तो आप पता लग जाएगा। जी कमरा मैंने सेट कर लिया है पूरा, इन्होंने सेज वगैरह भी लगा दी है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सब, सेज वगैरह और सब दिखाती हूँ मैं। माशाल्लाह से ये है मेरा का फर्नीचर, ये ड्रेसिंग टेबल, सामने है अलमारी, और सब उसका सामान जो है ना अलमारियों के ऊपर डाल दिया है। कंबल भी हैं, बर्तन भी हैं, बिस्तर भी हैं, सामने कोने में टप बाल्टी वगैरह जो भी है मैंने सब ऊपर डाल दिया है। और सेज भी माशाल्लाह से सज गई है, और फर्नीचर भी मैंने साफ़ कर दिया है, बेडशीट भी मैंने बिछा दिया है, और माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सेज बन गई है। और आपने ज़रूर बताना है कि हमारा ये जो इंतज़ाम है, ये जो सेज बनाई है सलीम ने, आपको कैसी लगी? आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये सेटिंग कैसे लगी, अच्छी लगी या नहीं, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और माशाल्लाह से कमरा बहुत ही खूबसूरत हो गया है, सारी साफ़ सफाई मैंने कर दी है, झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया है, सारा साफ़ सुथरा हो गया है। तो ये सलीम ने बांधी हैं कि आते जाते ना हाथ में अड़ती हैं, तो इनको जो है ना हमने खोल के यूं कर देना है। ये माशाल्लाह से सलीम ने और मेरे भतीजे ने, भावलपुर से आया हुआ, उन दोनों ने मिल के ये सारा इंतज़ाम किया है सेज का। ये सेज कल की आई हुई थी, तो आज सारे सेज माशाल्लाह से तैयार किए, और बीच में ये इन्होंने खुद फूल बनाया है। ये जो लंबी लड़ियाँ होती हैं ना, ये ऊपर वाली लंबी लंबी लड़ियाँ थी, इनको काट के, और ये जो फूल होते हैं ये लगाने वाले होते हैं, तो ये इन्होंने खुद घर बैठ के माशाल्लाह से बनाई, और बहुत ही प्यारा फूल बन गया बीच में लगाने का, और बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, झिल मिला रही है सेज। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी सेटिंग कैसी लगी और हमारा कमरा कैसे लगा दुल्हन का। और जब मैं मुमल के घर जाऊंगी तो वहां की भी सेटिंग आपको दिखाऊंगी कि उनका सेटअप कैसा है। अभी मोमल के दो टैची पड़े हुए हैं, ब्लैक है और ये है ब्राउन। ये अभी उनके घर हमने रात को जब वापस आएंगे रुख्सती दे के और रुख्सती ले के, ये वाला टैची और ये वाला जो है ना ये हमने भिजवा देना है। बाकी मोमल का सामान मैंने सारा भिजवा दिया है, और ये मेहरा का टैची है जो मैंने यहाँ रखा हुआ है। बच्चे जो है ना गर्मी से बहुत ही परेशान है, बहुत परेशान है, और कपड़ों से बाहर हैं, इतनी गर्मी है कपड़ों से बाहर हैं, डेढ़ डेढ़ घंटा लेट जाती है और तड़पाती है हमें बहुत ज़्यादा। अबू जो है ना गर्मी से बेहाल हो जाते हैं और बाहर जाके बैठ जाते हैं गली में, जहाँ मोटरों वाली स्लेप लगी हुई है वहाँ जाके बैठ जाते हैं गर्मी की वजह से, कि वहाँ थोड़ी हवा तो लगती है। अभी अभी लाइट आई है और सबा कपड़े इस्त्री कर रही है, मैंने अभी कमरा सेट किया है, तो अभी पानी वगैरह पीती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यास लगी और मुँह खुश्क हो रहा है मेरा। सेट किया कैसे लगा?
माशाल्लाह खूबसूरत है ना। सलीम ने सेट भी बहुत अच्छी बनाई है और मैंने फर्नीचर भी चमका दिया और कमरा बेहतरीन टैट करके सफाई की है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गर्मी से इतने बेहाल हैं, इतने बेहाल हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो इनको जो है ना बिल्कुल बनाने उतार देते हैं, सिर्फ छोटी सी चड्डियों में होते हैं। हाँ मेरा क्या है, पानी मांग रही है। भैया पानी पी रहा है तो कह रही है मुझे भी पानी दो। भैया जल्दी से पानी पी लो, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद मुजम्मिल आप पानी पी लो और आपा को भी पिलाओ। दाने निकल आए हैं गर्मी से, सारा मुंह का बेड़ा गर्क हो गया। ये देखे मोटे मोटे दाने निकले हुए हैं मोहम्मद मुजम्मिल को। मेरा भतीजा आया है भावलपुर से, मेरे बड़े बेटे ने और मेरे भतीजे ने ये सेज माशाल्लाह से तैयार की है, इतनी खूबसूरत बनाई है और बहुत ही वीआईपी कमरा चमका दिया इन्होंने सेज लगा के। और ये आए हैं अली साहब, ये भी गांव से आए हुए हैं। आपने देखा होगा वकार मलिक के भी लोग में, वकार मलिक की शादी में ये सब हम रिश्तेदार ही हैं। और वो मेरे मतलब के शोहर की खाला की बेटी है, उसका बेटा है वकार मलिक। हाँ ये भाई क्या कपड़ा है, हुमैरा ने अपनी चूड़ियाँ उठाई हुई हैं, मम्मा का कैचर उठाया हुआ है। और ये भी काली चूड़ियाँ हैं हुमैरा की हैं, ये उसकी मम्मा के हैं, हेयर बैंड हुमैरा का। और ये कड़े हैं, ये हैं सबा के, ये भी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। अभी मैं बैठी हुई हूँ, मेरे अभी कपड़े नहीं आए। आना दरवाजा खड़का दो तो मेरे कपड़े अभी कौसर लेके आएगी, क्योंकि कौसर को सीने के लिए दिए हुए थे। तो अभी कौसर जो है ना अभी आएगी। वाह ये हुमैरा की जूती है, हुमैरा को दादे ने दिलवाई है, ये देखिए। और ये है सूट, शरारा चोली, खड़ा करो इसको। ये है शरारा, ये है हुमैरा का, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर है। और ये भी मैच करके लिए। और ये ले आई है इसकी मम्मा और पापा। और ये वाला सूट दादा ने दिलवाया है, ये वाला जो है। और ये जो है ना सैंडल, ये भी दादा ने दिलवाई है सूट के साथ मैच करके, मैचिंग। और ये वाला इसकी मम्मा और पापा लेके आए हैं, काला ट्राउज़र और फ्रॉक है, प्यारे प्यारे। और ये काली चूड़ियाँ इसके साथ की हैं, और ये वाली जो है ना इनके साथ की हैं। वाह भाई इन्होंने तो मैचिंग की है, हमें तो अपना पता ही नहीं है कि हमने क्या मैच करना है। ओए गंजे बंजे, ओए नंगे नंगे पड़ंगे, मोहम्मद मुजम्मिल हमें तो पता नहीं है, आप लोगों ने मैचिंग मैचिंग कर ली सारी। वाह ये मैच हो रहा है, हेयर बैंड भी मैच हो रहा है हुमैरा का। हुमैरा हुमैला आ हाँ बहुत पाला लगल है। कहीं सा तो आपको दिखाया है नहीं, ये देखो अंदर से इस तरह से लगता है। ये गई है, हाँ जी हाँ जी बंद कर दो। देखिए अंदर से इस तरह से लगते, मैंने बाहर से दिखाई है तो अंदर से जो है ना इस तरह से लगती है। जी हमारी बारात रवाना हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं हाल में। दूल्हा और दुल्हन, दोनों दुल्हन और दूल्हे जो है ना हमने हाल में पहुंचा दिए, और कुछ लोग भी वहां चले गए हैं। तो हमारा कोस्टर थोड़ा लेट हो गया और कुछ बंदे भी लेट आए हैं, इस वजह से हम लेट हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं हॉल में। Thank you.
हमारा आज का व्लॉग इतना ही था। अगर अच्छा लगे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आपने ज़रूर बताना है कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।